नमस्कार, खबरें इस बुलेटिन तुंदा स्वागत है। मैं आरती शर्मा पेश नस वेले दियां खबरां। पाकिस्तानी फौज आसिया कल पुंछ ते रजौरी सैक्टर च कब्जा लाइन उपर कीती गई भारी गोलाबारी कारण सेना दे इक कैप्टन समेत चार फौजी शहीद होई गए। इस घटना च त्रऊं फौजियों समेत पांच होर लोग जख्मी भी होए न। पाकिस्तान ने इस गोलाबारी च आटोमैटिक हथियारें ते मोर्टार तोपें दे अलावा मिसाइल भी इस्तेमाल कीती। पिछले तकरीबन डेढ़ महीने दौरान ए दुई बारी है जे पाकिस्तानी गोलाबारी दी इकली घटना च भारत दे चार फौजी शहीद होई गए। रक्षा महकमे दे सूत्रें मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने बिजन भड़कावे दे कल कब्जा लाइन दे उपर मंजाकोट शाहपुर ते नौशहरा सैक्टर च आटोमैटिक हथियारें दे अलावा मोर्टार तोपें ते मिसाइल कन्नै हमला करी दिता। भारतीय सेना दी तरफा एदा बराबर जवाब दिता गया ते दबक्खिया होने आली ए गोलाबारी चिरे राती तोड़ी जारी रही। इस दौरान नागरिक प्रशासन ने सुंदरबनी थमां लेइयै मंजाकोट तोड़ी दे सारे इलाके च कब्जा लाइन थमां 5 किलोमीटर तोड़ी दे फासले उपर मौजूद सब्भने 84 स्कूलें गी बंद कीते जाने दे हुक्म जारी करी दित्ते। कठुआ जिले दे मुकंदपुर चौधरिया ग्रां च उस वेले मातम छाई गया जिसले बिम्बर गली सैक्टर च कल पाकिस्तानी गोलाबारी कारण ग्रां दे निवासी सिपाही सुबम सिंह दे शहीद होने दी खबर पुच्छी। सारे ग्रां आले शहीद फौजी दे घर किट्ठे होई गए ते अपनी संवेदना प्रकट करन लगे। सुबम सिंह अपने पिछे माता पिता दे अलावा त्रै भैणा ते इक भरा छोड़ी गए। वो कभी नहीं बताता था कि क्या माहौल चल रहा है। वो हमेशा यही बोलता था कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, आप किसी भी बात की टेंशन ना लो। कैसा लड़का था शुभम? बहुत अच्छा लड़का था, किसी को कोई भी उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छा था वो। सरकार बोलती है कि एक के बदले दस सिर काटने हैं, आज हमारे चार सिर गए हैं, तो उनका 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 तो कुछ भी नहीं गया। इस आदत पर तो पूरे देश को फ़ख्र है, हमारे गाँव को फ़ख्र है, उस पर हम उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। पाकिस्तान दी तरफा कब्जा लाइन उपर कीती जारदी भारी गोलाबारी ते भारतीय फौजियों दे शहीद होने दे मामले के लिए अज रियासती विधानसभा च खरा मता हंगामा होआ। एदे कारण सदन दी कारवाई प्रभावित होई ते कारवाई गी स्थगित करना पिया। नैशनल कांफ्रेंस ते कांग्रेस दे सदस्य सदन दे बिशकार आईए कब्जा लाइन उपर फौजियों दे शहीद होने गी लेइयै रियासत दी पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार दी नुक्ताचीनी कीती। अंतर्राष्ट्रीय बन्ने ते कब्जा लाइन उपर संघर्ष विराम दी बार बार खिलाफवर्जी कीते जाने लई गुआंढी मुल्खे दी सख्त निंदा करदे होई भाजपा दे सदस्य पाकिस्तान खिलाफ नारे लाए। उआं संसदीय मामले दे मंत्री अब्दुल रहमान वीरी होरें विरोधी सदस्यें गी भरोसा दित्ता जे उंदी चिंता बिल्कुल जायज है ते सरकार एदा जवाब जरूर देग। शोर शराबा दे चलदे स्पीकर होरें किश चिरे लई सदन दी कारवाई गी स्थगित कर दित्ता। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती होरें पाकिस्तानी गोलाबारी कारण कल शहीद होए दे फौज दे इक अधिकारी ते त्रऊं जवानें लई अपना दुख ते बसोस प्रकट कीता है। मुख्यमंत्री होरें इनें शहीदें गी अपनी श्रद्धांजलि भेंट करदे होई दुखी परिवारें कन्नै अपनी संवेदना प्रकट कीती। बच्चें गी कुसै भी राष्ट्र दी सब्भने शा बड्डी संपत्ति गलांदे होई मुक्खमंत्री हुंदे सलाहकार प्रोफेसर अमिताभ मट्टू होरें सरकारी स्कूलें च शिक्षा दे म्यार गी बधाने सरबंधी इक मुहिम शुरू कराई। उनें आखेआ जे रियासत दी शिक्षा प्रक्रिया आसेआ कीते जाने आली एह मती अहम दखलअंदाजी होग। उनें आखेआ जे दुनिया दी कोई भी शिक्षा प्रणाली उसले तोड़ी सही ढंगे कन्नै कम्म नेईं करी सकदी जिसले तक्कर अस सरकारी स्कूलें दी जिम्मेदारी नेईं चुगे। विश्व कैंसर दिवस दे सिलसिले च डोडा जिले दे सेहत महकमे आसिया मकामी अस्पताल च जागरूकता प्रोग्राम लोआया गया। एदे च सेहत महकमे दे सीनियर अधिकारी शामल होए ते कन्नै बड़ी मती गिनतरी च मकामी लोकें भी इस प्रोग्राम च हिस्सा लैता। इस मौके माहिरें आसिया कैंसर रोग दे लक्षणें ते ओदे थमां बचने दे उपायां पर लो पाई गई। उसकी डिटेक्शन से भी हम पता कर सकते हैं कि अगर इस फीमेल में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है तो कल को वो कैंसर हो सकता है। तीसरी चीज हमारे पास आती है कॉल पर, वो हमारे पास हम लोग यहाँ नहीं करते हैं, मगर वो भी फायदा है।
मकसद इस फंक्शन का ये था कि हम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचाएँ कि कैंसर एक मौलिक बीमारी है और इसका जितनी जल्दी हो सके इसका डायग्नोसिस होना चाहिए और फिर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जा सकती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यह है कि हम लोगों का खबरें इस बुलेटिन च बस इन्ना गई, इजाजत दियो, नमस्कार।